हमारे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से ताइफ पहुंचे उसी जगह पर ताइफ के अंदर उनका इंतकाल हुआ और उन्हीं के नाम की वहां पर मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और उसी जगह पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मकबरा कब्र मुबारक भी एक चार दीवारी के अंदर मौजूद है। ना ही किसी जगह से आप अंदर जा सकते हैं और ना ही किसी जगह से झांक कर देख सकते हैं। उस तरह देखेंगे वहां पर दीवार के साथ ही लोग दूसरे ग्रुप के साथ भी उधर वहां पर खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह हम भी वहां पर खड़े होकर हाजिरी देंगे और सलाम पेश करेंगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के मकबरे पर। और उसके बाद ऐसवान वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर दीनी किताबें पत्थरों के ऊपर लिखे कुरान पाक की कुछ आयतें जो बगैर शेर जबर पेश पे मौजूद है, जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर में अपने हाथों मुबारक से लिखा करते थे। और उसी जगह पर भाई साहब वो पुराना मदरसा एक चार दीवारी के अंदर भी पुरानी दीवारें मौजूद हैं जिस जगह पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ पर बच्चों को तालीम देते थे। तो इस बार इंशाल्लाह हम इस मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास में उतरेंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह लाइब्रेरी की और मकबरे की और मस्जिद की दो रकात हय्यतुल मस्जिद शुक्राना भी अदा करेंगे। खाली फैन चला दे, एसी बंद कर देते हैं, वो शगल फाइन, वो माफी मुके मुके तब भी वो शगल फाइन 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 आ रहे फाइन आ रहे। तो और उसके बाद ऐसबान फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पर फिर उसके बाद आगे जाएंगे मस्जिद अदास, मस्जिद रसूल, मस्जिद अली। तो ऐसबान जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जेब की दावत देने लगे तो कफारे मक्का के लोग हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन बन गए, तरह तरह की तकरीबें देने लगे, सल्ब करने लगे। आखिरकार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ का सफर किया कि शायद हो सकता है कि ताइफ के लोग हम पर ईमान लाएं और हमारे दीन को आगे की तरफ फैलाएं। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ पहुंचे, ताइफ में जाकर दीन की दावत देने लगे तो कफारे ताइफ के लोग भी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। तो असलन जो कफारे ताइफ के लोगों ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म किए वो भी एक तारीखी मकान है। तो ऐसबान उन्होंने अपने जितने भी लोफर लफंगे लड़के थे और उनको एक साथ जमा किया और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और उनको हुक्म दिया कि आपने इनको ताइफ शहर से बाहर निकालना है और दीन के रास्ते से अलग करना है। तो फारे ताइफ के लोगों ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म किए, इतने पत्थर मारे कि यहाँ तक के हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म मुबारक खून से लहू लुहान हो गया। आखिरकार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पहाड़ी के जाने पहुंचे हैं और पहाड़ी के साय के साथ जब यहाँ पर आराम फरमाते हैं तो कफारे तैफ के लोग वहां तक भी नहीं छोड़ते और उसी जगह पर जाकर अपना मनसूबा चेंज कर लेते हैं कि अगर हम दोबारा सामने से वार करेंगे तो ये फिर बजेंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे, अपना दीन और मजबूत कर लेंगे, क्यों ना अभी हम यहाँ से पीछे से वार करते हैं। जब कफारे ताइफ के लोगों ने वहां से ऊपर से पीछे से वार किया तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निगाह मुबारक पड़ी, देखो ऊपर से पत्थर आ रहा है। तो जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आ जा, अगर तुझे किसी ने भेजा है तो वहीं रुक जा। तो आसमान देखें जो चीज अल्लाह की तरफ से आ रही थी दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, वो अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि उन कफारे ताइफ के लोगों का भेजा हुआ था। तो जैसे ही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का इशारा किया तो उसी जगह पर वो पत्थर रुक गया था। आसमान आज उस पहाड़ी के ऊपर हजारों की तादाद में पत्थर रुके हुए लेकिन उस पत्थर के वहां पर निशान नहीं बताई जाती है, उसी पत्थर के ऊपर इंग्लिश का लाल उल्टा लिखा हुआ है। इंशाल्लाह
आपको उस पत्थर की भी निशानदेही कराई जाएगी। उसके बाद है सुबह वहाँ पर मस्जिद बनेगी जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद रहमतुल्लाह। ये दो नाम एक ही मस्जिद को पुकारे जा रहे हैं जिसकी निशानदेही हद बंदी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से की, लेकिन उसकी तमीर जो है वो तुर्की हुकूमत ने की थी जब अरब के अंदर तुर्की की हुकूमत थी। ये मुकम्मल पुरानी हालत में पत्थरों की हालत में मस्जिद मौजूद है क्योंकि आज से 100 साल पहले अरब के अंदर तुर्की की हुकूमत थी आसमान, उस वक्त ये मस्जिदें तमीर की गई थी। ये बात है 1400-1450 साल पहले की है, लेकिन ये मस्जिद आज से 100 साल पहले अरब के अंदर जब तुर्की की हुकूमत थी तो उस जमाने में उस दौर में तुर्की ने अपनी हुकूमत में यहाँ पर यह मस्जिदें तमीर कराई थी। उसके बाद आसमान जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी पहाड़ी की जानिब पहुँचते हैं और उसी पहाड़ी के साथ जाकर आराम फरमाते हैं, उस जब आसमान से फरिश्ते तशरीफ लाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्की के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कि अगर हम दोबारा सामने से वार करेंगे तो ये आसमान से फरिश्ते तशरीफ लाए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों ने आपके साथ इतना जुल्म किया सताया लौ लुहान किया नऊस बिल्ला ये लोग आपको कत्ल करने के इरादे में हैं, अगर आप कम करें तो हम इनको पहाड़ों को आपस में जोड़ दें, ये ताइफ की बस्ती पीस जाएगी ताहो बर्बाद हो जाएगी रेजा रेजा हो जाएगी। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कम दिया कि नहीं आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं जानते, मुझे इनकी आने वाली नस्लों में से उम्मीद है, आने वाली बच्चों में से उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई आएगा हम पर ईमान लाएंगे और हमारे दीन को आगे की तरफ फैलाएंगे। तो इसमें आखिरकार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए इबादत दुआ नहीं बल्कि दुआ की कि अगर ये मुझे पहचानते तो हरगिज़ मेरे साथ ऐसा ना करते, मुझे इनकी आने वाली नस्लों में से उम्मीद है, आने वाले बच्चों में से उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई आएगा हम पर ईमान लाएंगे और हमारे दीन को आगे की तरफ फैलाएंगे। ऐसमन आखिरकार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में अपने दुश्मनों के लिए फिर भी बस दुआ नहीं बल्कि दुआ की कि मैं इनके लिए रहमत बनकर आया हूँ जहमत बनकर नहीं, मैं इनको आबाद करने के लिए बर्बाद करने के लिए नहीं। तो आसमान बाद में भी उसी जगह पर मस्जिद बनाई है, वो भी तुर्की हुकूमत ने बनाई मुकम्मल पत्थरों की हालत में और उस मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद अली, जहाँ पर जबरील अलैहिस्सलाम आसमान से फरिश्ते तशरीफ लाए। और उसके बाद आसमान उसी जगह पर एक साथ में जो ताइफ का सबसे बड़ा रईस था जिसका नाम था उतबा शेबा, और उसी ताइफ का जो उतबा शेबा रईस था उसका बाग था अंगूर और खजूरा का उसी जगह पर, और उतबा शेबा के बाग था एक मुलाजिम था अदास नाम था जिसका, जब उसने देखा कि यह जख्मी हालत में आसमान मक्का की ज्यारतें हो गई हैं सबकी, यहाँ से कुछ देर बाद ये अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे देख लें जबले सोर गारे सोर के नाम से ये पहाड़ी मशहूर है जिसकी बुलंदी 5,413 से 14 फुट की जा रही है, ये आपके सामने नजर आ रही है। बसवान इसी गार के ऊपर जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो अपने गारे यार हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला के साथ इसी गार के ऊपर 3 दिन 3 रातें क़याम किया था, और इसी गार के ऊपर 3 वाक़े भी हुए, मकरी ने जाला बनाया, कबूतरी ने अंडे दिए और सांप ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने एरी को काटा। और उसके बाद आसमान जब अदास ने देखा कि ये जख्मी हालत में हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बात तो आ नहीं बल्कि दुआ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे लोग नौस मिला इसको कत्ल करने के इरादे में, और जब उसको खुदा की खुदाई नजर आई और वहां से कुछ उसने खजूर और नूर उठाया और जाकर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए, तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़कर जब पहला ये अंगूर तोड़कर खाने लगे तो अदास परेशान हो गया, ठीक है यार आप कौन है, आप हमारे शहर के तो नहीं लगते, हमारे दीन के तो नहीं लगते, अब तो मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लगते हैं। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया तो उसी जगह पर भी बाद में अदास ने गिर गिराते हुए कलमा पढ़ा था, ताइफ के अंदर जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसका नाम अदास था, और उसी जगह से अदास ने हमारे प्यारे नबी करीम
वाकुबरी अमीन फोक आला जबर। और उसी जगह पर अदास ने फिर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी हालत में लेकर और उसी बाग के अंदर लेकर गए थे जिस बाग के अंदर काम करते थे, और उसी जगह पर एक दरख्त था जिस गहरा जहाँ था उसी दरख्त के नीचे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी हालत में पनाह दी। और बाद में उसी जगह पर जैसे काफारे तैफ के लोगों को मालूम होता गया वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और उसी जगह बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने उसी दरख्त वाली जगह, क्योंकि आज बाग तो नहीं रहे तो उसी बाग वाली जगह पर उस दरख्त के पास फिर बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाई है। जैसे ही कफारे तहत के लोगों को मालूम होता गया और वो भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और उसी दरख्त वाली जगह पर मस्जिद बनाई निशानी तौर पर, और उस मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद अदास, क्योंकि ताइफ के अंदर जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम अदास था, उसी के नाम की मस्जिद। इंशाल्लाह आसमान हम उस मस्जिद की भी ज़ियारत करेंगे। आसमान ये मस्जिद अदास, मस्जिद रसूल, मस्जिद अली, ये तीन मस्जिद ऐसी हैं जो आपको गाड़ी के अंदर से दिखाई जाएंगी क्योंकि वहाँ पर उतारने की इजाज़त नहीं है। तो आसमान वो गाड़ी वाले को 5000 रियाल का मुकालबा देते हैं। वैसे मस्जिद चारों तरफ बंद की जाली लगाकर उसके चारों तरफ बंद किया गया है। इंशाल्लाह आसमान ये भी ज़्यादा करेंगे। और उसके बाद वहाँ से हम आएंगे मेकात कर मनाजे, जगह का नाम है सेल कबीर, मेकात का नाम होगा मेकात कर मनाजे। और वहाँ पर आकर हम इंशाल्लाह जोर की नमाज भी अदा करेंगे, इहराम भी बांधेंगे, उम्रे की नियत भी करेंगे। ठीक है आसमान, तो आसमान अभी हमारा कमा पे 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है। उस सफ़र में जितना हो सके जिक्र अस्कार करते रहें, दूर शरीफ पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक हमारा आने वाला सफ़र और आसान करें और जल्द से जल्द हम अपनी बुलंद पर पहुँचें। तो आसमान अभी हम नफा क्रॉस करें, लेकिन नफा क्रॉस करने के बाद अपने दाएं बाएं सीधे उल्टे हाथ की तरफ देखें। ये जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है, एरिया नज़र आ रहा है, ये तरीक अजीज़िया के नाम से ये जगह मशहूर है। आसमान तरीक अजीज़िया, ये बिल्डिंगें जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये पूरा साल इसी तरह खाली के खाली रहते हैं, लेकिन हज के दौरान, हज के टाइम, हज से पहले जो जाकर हम हज पर हज के लिए आते हैं इसी जगह, हज से पहले इन्हीं बिल्डिंगों के अंदर कैंप करते हैं। अजीज़िया के नाम से ये जगह मशहूर है। और उसके बाद हज के बाद 2 से 3 दिन बाद फिर हरम शरीफ के करीब उनको रिहायशें मिलती हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ देर बाद ही आपको मीना के खैमे भी नजर आएंगे, मस्जिद खैब भी नजर आएगी, जवरात शैतान भी नजर आएंगे। आपको सीट नहीं है, सीट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिर इधर आ जाओ, बिल्कुल नहीं है तो फिर इधर आ जाओ। ताइफ शुरू हो चुका है, ताइफ ताइफ में हम दाखिल हो गए हैं। आगे की वीडियो इंशाल्लाह आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ताइफ शहर आ गया भाई, ताइफ शहर, नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं ताइफ शहर। तो वीडियो जैसे हम यहाँ पर हैं, अब मेरा मन कर रहा है कि हम कुछ डालें जो मेरे इसमें है, सबसे लोग कहाँ जाएंगे? बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस जगह पर इंशाल्लाह इस्बान हमारे पास आधा घंटा टाइम होगा, आधे घंटे के अंदर आपने वापस आना है। यहाँ पर हम इंशाल्लाह ग्रुप के साथ एक साथ जाएंगे, वहाँ पर जाकर एक साथ आपको जो है मकबरे की निशानदी भी कराई जाएगी, लाइब्रेरी की भी निशानदी कराई जाएगी, और लेडीज़ की नमाज की जगह अलग है उसकी भी निशानदी कराई जाएगी, जेंट्स की नमाज की जगह अलग है उसकी भी निशानदी कराई जाएगी, और लेडीज़ और जेंट्स के वाशरूमों की जगह अलग अलग है वो भी उसके इंशाल्लाह की मुकम्मल निशानात कराई जाएगी। आपने ये मुकम्मल उसके बाद ऐसे यहाँ पर अपने आराम वगैरह अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ देने, बाकी कीमती सामान अपने हाथ में रखें। और यहाँ पर हमने सिर्फ 2 रकात नमाज तहज्जुदुल मस्जिद की शुक्राना अदा करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। जोर की नमाज हम इंशाल्लाह मेकात कर मनाजे पर जाकर अदा करेंगे, वहाँ पर इहराम भी बांधेंगे और उसके बाद जो है जोर की नमाज भी अदा करेंगे। इसी जगह पर इस बार गाड़ियों का रश ज्यादा होगा, जिस जगह पर आपको गाड़ी उतारेगी नीचे उतरते हुए गाड़ी का नंबर नोट कर लें, गाड़ी की निशानदी कर लें और आधे घंटे के अंदर वापस आ जाए इंशाल्लाह। फिर आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, 20 मिनट टाइम है लेकिन 35 मिनट तक गाड़ी हमारी यहाँ से निकलेगी।
आसमान टाइम की पाबंदी करनी, क्योंकि अगर आप नहीं है तो उसके बाद फिर आपको अपनी अलग गाड़ी करानी पड़ेगी। तो इस तरह जिस तरह अभी हम अलार्म के ग्रुप के साथ हैं, तो इसी तरह ग्रुप के साथ वापस जाएंगे। तो नीचे उतरते अगर गाड़ी का नंबर नोट कर लें, गाड़ी की निशानी कर लें, इंशाल्लाह ग्रुप के साथ हम जाएंगे वहां पर, आपको हर जगह की निशानी कराई जाएगी, उसके बाद आपने वापस आना है। गाड़ी का नंबर बोल दीजिए शायद 4532 गाड़ी का नंबर है, 4532 बोलो अभी बताइए नंबर, 4532 नंबर, नंबर बताइए 4532 लक्ष्मी पिता बस सब तो रहा है सेम 4532 बस नंबर है, देखिए 4532 ये याद नंबर है। मक्का में वो कब्रिस्तान जहाँ जाहिलियत के जमाने में बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, मार दे 4532 ये सब मैं चैनल के लिए नहीं बनाया था, ऐसे ही बनाया था। अब सी वीडियो जारी भी जारी, हमारे साथ सफर करना रहा तो ये नंबर, नहीं तो दूसरा नंबर पर भी जा सकते आप। आयुष्मान गाड़ी का नंबर है 4532 4532 अपनी गाड़ी का नंबर है। एतवार इंशाल्लाह हमने गाड़ी की निशानदेही करनी है, जिस जगह पे गाड़ी हमें उतार के जाएगी वापसी हमें गाड़ी उसी जगह मिलेगी। 20-25 मिनट टाइम है, लेकिन 30-35 मिनट तक गाड़ी निकालेंगे, 5-10 मिनट गाड़ी इंतजार करेगी इंशाल्लाह। ताइफ में तशरीफ आ चुका है उलमा किराम का ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह, अभी यहाँ की ज़ियारत करेंगे, कुछ मकामात की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद फिर एक जगह और जाएंगे, वहाँ से एहराम बांधेंगे। बम्बई सबको आने दो, कह रहा सबको आने दो, अब्दुल्ला बिन अब्बास रसी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई थे, ठीक है, वो मक्का शहर जमीन को छोड़कर ताइफ में इसलिए रह गए कि वहाँ पर एक नेकी का 1,00,000 का सवाब है, अगर कोई मुझसे भूले से कोई गुनाह सरज़द है वो कहीं 1,00,000 में ना शुमार किया जाए, इसलिए मक्का की सरजमीन को छोड़कर ताइफ में आ गए और इसी जगह पर उनका इंतकाल हुआ था। और ये आपके बैक साइड में चार दीवारी नजर आ रही है जहाँ पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का घर मुबारक है, और चंद कमरे मीदार भी इसी अंदर के इसी के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये सामने लाइब्रेरी है, अभी देखो लाइब्रेरी उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अभी क्या कुछ नहीं कह सकते हैं इनको ना, इसी के अंदर दीनी किताबें पत्रों के ऊपर लिखे कुरान पाक की कुछ आयतें जो बगैर जेर जबर पेश पे मौजूद है, ठीक है। वैसे बाहर ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं अंदर वाली लाइब्रेरी के साथ, हाफ दीवार है, बैक साइड पे देखिए वाइट शीट लगी हुई है लोहे की चादर। इस चार दीवारी के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मकबरा है, कब्र मुबारक है, दीवार के साथ ही खड़े होकर हाजिरी देनी पड़ेगी, अंदर नहीं जा सकते, जाकर भी नहीं देख सकते। लाइब्रेरी के साथ ही एक दरवाजा मिलेगा जिसके ऊपर लिखा मुसल्ली निसा, जहाँ पर लेडीज ने नमाज की जगह है, वहाँ पर अंदर दाखिल होगी। लाइब्रेरी की बैक साइड पर नमाज की जगह दो रकात नमाज नफल शुक्राना अदा करनी है और मकबरे पर हाजिरी देंगे और उसके बाद फिर वापस चलेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी के अंदर से मकबरा वो पुराना मदरसा दिखाएंगे, पुरानी चार दीवारी पूरा, क्योंकि बाहर से आप देख नहीं सकते ना, जाकर गाड़ी में बैठेंगे तो ऊपर हो जाएगी थोड़ा, तो अंदर वाला नीला पूरा आपको नजर आएगा, ठीक है। बाकी लेडीज है वो सामने वाशरूम में, आप जा सकती हैं पूरी, ठीक है, आधे घंटे के अंदर आ जाए। बाकी जेंट्स हजरात हैं यहाँ पर वजू वगैरह बनाएंगे और उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी मकबरा और यहाँ से सीधा आखिर में जाएंगे, वहाँ पर मस्जिद है, दो रकात नमाज नफल शुक्राना अदा करके फिर आज इंशाल्लाह आगे चलेंगे।
रुको अभी रुको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लाइफ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद के पास हैं और यहीं इधर जो है चार दीवारी है इसमें नबी के लाडले साहब हैं, इसमें मदफून है, तो बहुत ही प्यारी जगह है और वैसे भी ये मज़लूम तरीन ज़मीन है। यहाँ हम लोग आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आने के कबूल फरमाए, हाजिर को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। चल चल गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ताइफ़ में हैं, मक्का से चलकर ताइफ पहुँचे हैं और ये ज़ियारत का सफ़र हो रहा है। बहुत ही मुबारक सफ़र है और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हो रहा है हम लोगों का। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सहाबी के क़ुर्ब जीवार में हमें पहुँचाया और ये मस्जिद है, उन्हीं के नाम से मस्जिद है और बाज़ू में उनका रोज़ा भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी हैं। देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत है, दिखाइए भाई। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद, देख सकते हैं खूबसूरती। देखें दिखाइए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये ना हुआ है इस तरह सीधा इधर, ठीक है। जी हम एक काफ़िले के साथ आए हैं, पूरा एक काफ़िला है तंजीम ख़ुद्दामुल उलमा की जानिब से जो बेंगलोर से चला था काफ़िला। इसमें उलमा किराम 20 उलमा किराम हैं जिनको अल्लाह हाफिज़ुल्लाह शरीफ साहब ने भेजा, अल्लाह उनको बेहतर बदला दे। उनके वालिदैन को अल्लाह ताला इसका सवाब पहुँचाए कि वो बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उलमा से बात, और उनको भेजना ऐसी पाक सरजमीन पर अपने पूरे अखराजात पर भेजना, अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। इस तंजीम को अल्लाह ताला पूरे आलम में चमकाए और इस तंजीम से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाए, उलमा को फ़ायदा पहुँचाए। जज़ाकुमुल्लाह। बोलते वक्त एक ही जगह मत रखिए, थोड़ा इधर भी करते रहिए और बाप बाप दिखाइए। बाप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो आज हमारे उलमा इकराम का दूसरा उम्र के लिए है जी। उसके बाद बहुत सारे साथियों ने उम्रे किए, तवाफ किए, फिर उसके बाद में ज़ियारत वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ। पहली ज़ियारत जुमेरात के दिन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कल जुमा का दिन था, आज बरोज़ हफ्ता है 21 तारीख। शहर ताइफ का सफ़र करें, वह शहर है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए थे और यहाँ से ज़ालिमों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वापस आए वह शहर में तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्जाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मस्जिद में, मस्जिद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। फिर वहाँ से जो लाइब्रेरी है वहाँ पर खड़े होकर देखने का, दीदार करने का मौका मिला। फिर वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के मकबरे के पास खड़े होकर कुछ सूरतें वगैरह पढ़कर उनके लिए मिसाल सवाब करने का भी मौका मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, फिर अब दूसरी तरफ रवानगी का सिलसिला जारी है।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ के हाजरी को बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे यहाँ दो रकात नमाज पढ़कर जो हिस्सा सवाब किया गया है इन तमाम चीज़ों को अल्लाह पाक हमारे हक़ में कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हम सबको यहाँ की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार हाजिरी नसीब फरमाए और जिस तरीके से अमल करना चाहिए था अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन अमल में हाजिरी में अगर हमारे से कोई कमी पेशी हो गई हो, गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमारे इन गलतियों को, हमारे इन कोताहियों को माफ़ फरमाए, बस आमीन। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक से एक आलीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी आयुष्मान, यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे देखेंगे वो पुराना मदरसा, पुरानी चार दीवारी जिस जगह पर हजरत अब्दुल्ला, अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे देखें पुराना मदरसा, पुरानी चार दीवारी जिस जगह पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ पर बच्चों को तलीम देते थे, वो पुराना मदरसा पुराने चार दीवारी के अंदर है। ये वो पुराना है। हाँ जी इस बार आखिर वाले दरमियान वाले साहब आसानी से देख लें। लास्ट में आखिर में कुछ चांद कब्रें भी मौजूद है इस बार पुराने शाहजहां की कब्र नजर आ रही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास का तो वो लाइब्रेरी के साथ है लेकिन ये वो पुराना लोग पहले वाले, अभी तो ये कब्रस्तान बनाया हुआ माशाल्लाह कब्र, बहुत बड़ा कब्रस्तान बना हुआ है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में अदात ने पना दी और उसके बाद जैसे ही कफारे तैफ के लोगों का मालूम होता गया वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उसी दरख्त वाली जगह पर फिर सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाई है और उस मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद अदास। देखो ये अभी गाड़ी हुई है ना, गाड़ी से दिखा रहे हैं, ये अपने सामने गाड़ी खड़ी है। हाँ जी आयुष्मान, यहाँ से अपने बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे आगे की तरफ देखें, आपको एक व्हाइट कलर की सफेद कलर की मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद अदास। ये थोड़ा आगे गाड़ी है, वो गाड़ी निकलती है तो फिर हम आगे लेंगे, सामने गाड़ी है ये रुकेंगे ना। यहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये गाड़ी एक मस्जिद नजर आएगी, छोटी सी मस्जिद व्हाइट कलर की सफेद कलर की मस्जिद अदास, क्योंकि ताइफ के अंदर जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम अदास था, उसी के नाम की यह मस्जिद है। आसमान इंशाल्लाह कुछ देर बाद आज तो मुश्किल नहीं हो तो रुक जाओ, ये आगे थोड़ा गाड़ी है वो दिखा दे, वो निकलेगा फिर हम आगे करेंगे, गाड़ी सबको नजर आएगा इंशाल्लाह। और बाद में इसी जगह पर सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनाई है और मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद अदास, क्योंकि ताइफ के अंदर जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम अदास था, उसी के नाम की मस्जिद है। इंशाल्लाह आसमान यहाँ से अपने बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे देखेंगे। हाँ जी आयुष्मान, यहाँ से अपने बिल्कुल देखें उस साइड पे भी लेके जा सकते हैं लेकिन वहां पर पूरे दस्त नजर नहीं आती इसलिए यहाँ पर घुमा कर रहे हैं। और सामने आपको मस्जिद अली का मीनार भी नजर आए, इंशाल्लाह वहां भी आपको लेके जाएंगे। मस्जिद अली ये मस्जिद अदास थे के पहले वो सबर मोहम्मद आयुष्मान देख लें आसानी से, ये बिल्कुल आपको व्हाइट कलर की सफेद कलर की मस्जिद अदास, क्योंकि जिसने ताइफ के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम अदास था, उसी के नाम की ये मस्जिद है। आयुष्मान जख्मी हालत में जो अदास ने बाग के अंदर लेकर आए थे ना उत्वा शेबा के बाग है वो जगह है, इसके बाद आयुष्मान जो हमारी आगे वाली जियारत है और ये जो मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद रहमतुल्लाह, ये दो नाम एक ही मस्जिद को पुकारे जाते हैं, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में जब कफारे तैब के लोगों ने पत्थर बरसाए तो जख्मी हालत यहाँ तक के पूरा जिस्म मुबारक खून से लुहान हो गया, आखिरकार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के साए के साथ आगे चुके तो कफारे तैब के लोगों ने
यहाँ तक भी नहीं छोड़ा और इसी जगह पर आकर अपना मंसूबा चेंज किया कि अगर हम दोबारा सामने से वार करेंगे तो ये फिर बच जाएंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे, अपना दीन और मजबूत कर लेंगे। क्यों ना अभी हम यहाँ से पीछे से वार कर जाए। तो ऐसा जब कफारे तैफ के लोगों ने पीछे से वार किया तो पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिराया। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक पड़ी, देखा ऊपर से पत्थर आ रहा है। आर क्या है पत्थर, अगर तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आ जा, अगर तुझे किसी ने भेजा तो वहीं रुक जा। तो ऐसा देखें जो चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। वो अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि उन कफारे तैफ के लोगों का भेजा हुआ था। तो जैसे ही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ का इशारा किया तो उसी जगह पर वो पत्थर रुक गया था। इसबार आज पहाड़ी की बिल्कुल आपने ना ऊपर नहीं देखना नीचे नहीं देखना। अच्छा वो पत्थर है अभी हाँ जी। आयसबान आपने उस पहाड़ी के बिल्कुल दरमियान में देखना है, ना ऊपर देखेंगे ना नीचे देखेंगे, बिल्कुल पहाड़ी के दरमियान में देखेंगे। ये मेरे हाथ की निशानी कर ले, इस तरह खड़ाई में होगा, उसके ऊपर इस तरह इंग्लिश के लाज उल्टा टी लिखोगा, दरार दिया होगा बिल्कुल हल्का सा। और नीचे मस्जिद भी है जिसकी निशानदी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से की, उसकी तमीर तुर्की हुकूमत ने की थी। हाँ जी आयसबान यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे आगे मस्जिद भी देख लें, पहाड़ी के दरमियान में देखे ना ऊपर देखे ना नीचे, एक बड़ा पत्थर है उसको बाहर की तरफ निकला हुआ लेकिन उसी के साथ देखेंगे इंग्लिश का लाल उल्टा टी लिखा हुआ है। पहाड़ी के बिल्कुल दरमियान में देखे ये देखो, ये इधर इधर मोबाइल में देखो वो बड़े पत्थर है ना उल्टा टी, ये देखो पहाड़ी के बिल्कुल दरमियान में ये वही पत्थर, ये देखो ना उल्टा टी वाला, ये देखो मोबाइल में पहाड़ी के दरमियान में देखे अथवा न ऊपर देखे ना नीचे देखे, बिल्कुल पहाड़ी के दरमियान में देखे जिस पत्थर के ऊपर उल्टा टी है। खाली लकीर दिया हुआ है, अगर ड्राइवर उतार देता है तो मेरा मुश्किल नहीं है क्योंकि वो 5,000 का मोहम्मद हाँ जी आसमान। अभी देखे पहाड़ी के बिल्कुल दरमियान में देखे उल्टा टी लिखा हुआ है, हल्का सा दरार दिया लकीर दिया हुआ है, इंग्लिश के अलावा उल्टा टी लिखा हुआ है। तो इधर वाले बैठ जाए मुश्किल नहीं है, गाड़ी घुमा के आएंगे दोबारा भी दिखा दूंगा मुश्किल नहीं है, एक बार फिर भी दिखा दूंगा, ऐसा उतारने का मुश्किल है। इसके बाद आसमान अपने बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे देख ले, ये पुरानी दीवारें मिट्टी की बनी हुई लेकिन ये भी उस दौर की नहीं है, ये भी बात की है लेकिन जहाँ पर कफारे ताइफ के लोगों की पुरानी बस्ती पुराना ताइफ शहर था, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोफर लफंगे लड़के लगाए और उन्होंने पत्थरों की बारिश की, यहाँ तक कि हमारा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म मुबारक खून से लहू लुहान हो गया। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अदास से मस्जिद रसूल से फिर मस्जिद अली पहुंचे। आपके ये दाएं हाथ पे बाएं सीधे हाथ पे ये पीछे देखें, अभी एक मिनट उल्टे हाथ की तरफ देखें, बैक साइड पे ये देखें सामने आपको मस्जिद रसूल वाला पहाड़ है और उसके बाद बाएं हाथ पे आगे की तरफ देखें मस्जिद दाएं हाथ पे आगे की तरफ देखें, ये दो पहाड़ियां थी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म करें तो हम इन दो पहाड़ों को आपस में जोड़ दें। वो दोनों पहाड़ कहाँ? एक ये वाला पहाड़ है और एक सामने वाला पहाड़ है, उल्टे हाथ पे देखे आसमान उल्टा टी वाला पत्थर दोबारा भी देख ले और नीचे मस्जिद है रसूल भी देख ले। हाँ जी आसमान देखे ये बिल्कुल सामने देखे पहाड़ी के दरमियान में उल्टा टी, हल्का सा लकीर दरार दिया हुआ है निशान लकीर, ये सामने नीचे मस्जिद भी देख ले पुरानी पत्थरों की हालत में बनी हुई। उसके बाद तस्वीर निकाल दो, अभी हाजी को भी दिखा दो। इसके बाद आसमान यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे आगे की तरफ देखें, इस पहाड़ी की निशानी करें,
जिस जगह पर जबरील अलैहिस्सलाम आसमान से फरिश्ते तशरीफ लाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा होगा आपके साथ इतना जुल्म किया सताया लहूलुहान किया, अगर आप हुक्म करें तो हम इन दो पहाड़ों को आपस में जोड़ दें, ये ताइफ की बस्ती पीस जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म दिया कि नहीं, आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं जानते, मुझे इनकी आने वाली नस्लों में से उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई आएगा, पर ईमान लाएंगे और हमारे दीन को आगे की तरफ फैलाएंगे। अगर ये मुझे पहचानते तो हरगिज़ मेरे साथ ऐसा न करते, तो मुझे इनकी आने वाली नस्लों में से उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई आएगा, पर ईमान लाएंगे और हमारे दीन को आगे की तरफ फैलाएंगे। उसी जगह पर बाद में मस्जिद बनाई है तुर्की हुकूमत ने और मस्जिद का नाम रख दिया मस्जिद अली। अपने दाएं हाथ पे सीधे आपने देख ले मस्जिद अली, ये मस्जिद अली तुर्की हुकूमत ने पूरा वेल्ड कर दिया, पूरा पूरा बिल्डिंग कर डाला है, इसके अंदर भी जाते थे नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर शुक्राना अदा करते थे, उम्र का नफल नमाज अदा पहले करते थे, अभी उम्र की स्टार्टिंग में भी करते थे, अभी ये पूरा देखो बंद कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। हाँ जी यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे आपके मस्जिद अली देख लें, और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं इनके लिए रहमत बनकर आया हूँ, रहमत बनकर नहीं, मैं इनको आबाद करने के लिए आया हूँ, बर्बाद करने के लिए नहीं, अगर ये लोग मुझे पहचानते तो हरगिज़ मेरे साथ ऐसा न करते, मुझे इनकी आने वाली नस्लों में से मिल जाए। यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ में देख लें, एक ये वाली पहाड़ी है आपके दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे मस्जिद अली वाली पहाड़ी, और उसके बाद आपके बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे पीछे मस्जिद रसूल वाली पहाड़ी। ये दो पहाड़ियां थी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म करें तो हम इन दो पहाड़ों को आपस में जोड़ दें, ये ताइफ की बस्ती पीस जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अगर ये मुझे पहचानते तो हरगिज़ मेरे साथ ऐसा ना करते। हाँ जी हैसबान यहाँ से अपने बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे दोबारा मस्जिद अली देख लें, ये कुछ देर बाद ही आपके उल्टे हाथ के सामने ये पहाड़ी भी नजर आ रही है और मस्जिद भी नजर आई, ये भी तुर्की हुकूमत ने बनाई थी और मस्जिद रसूल भी तुर्की हुकूमत ने बनाई थी और मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास ये भी तुर्की हुकूमत ने बनाई थी, और मस्जिद अदार जो बाग के अंदर आपको दिखाई थी वो सऊदी हुकूमत ने बनाई थी, जहाँ बाद में इन ताइफ के लोगों को मालूम होता कि ये भी यहाँ पर पहुंचे। यहाँ से अपने दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे देखे इस बात बाएं हाथ पे उल्टे हाथ पे मस्जिद अली, एक मिनट अभी इंशाल्लाह इस बार यहाँ से दोबारा आपको मस्जिद रसूल भी नजर आएगी और उल्टे टी वाला पत्थर भी नजर आएगा और नीचे पुरानी हालत में मुकम्मल मस्जिद भी नजर आएगी। वो मस्जिद रसूल वगैरह वहाँ सुधीर मस्जिद रसूल नहीं आएगा, आएगा अभी अभी जा रहे हैं अंदर आएगा, इसकी जो टी बना हुआ इसकी थोड़ी क्या वजह है, जो कुफारों ने ऊपर से गिराया था उल्टा टी वो गोदाम वगैरह भी मुश्किल। हाँ जी आसमान यहाँ से अपने दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे दोबारा मस्जिद रसूल भी देख लें और इंग्लिश का लफ्ज उल्टा टी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कफारे तैयब के लोगों ने ऊपर से गिराया, जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक पड़ी देखो ऊपर से पत्थर आ रहा है, पत्थर अगर अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आ जा, अगर तुझे किसी ने भेजा तो वही रुक जा। यहाँ से आपने देख लें आसमान ये पुरानी मस्जिद आपको मस्जिद रसूल नजर आ रही, इस मस्जिद रसूल की निशान दी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों मुबारक से की, लेकिन इसकी तमीर जो है वो तुर्की हुकूमत ने की थी जब अरब के अंदर तुर्की की हुकूमत थी। यहाँ से आसमान हम इंशाल्लाह मेकात कर मनाजिल पर पहुंचेंगे, जगह का नाम है सेल कबीर, मेकात का नाम है मेकात कर मनाजिल। तो आसमान अभी हमारा कमा पेश एक घंटे का सफर है, तो सफर में सफर की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख लेता है। एक मस्जिद रसूल वाला पहाड़ आपके दाएं हाथ पे सीधे हाथ पे, दूसरा मस्जिद अली वाला पहाड़ बाएं हाथ से उल्टे हाथ पे पीछे, हाँ ये दो पहाड़ थे आपस में देख लें, उल्टे हाथ पे पीछे की तरफ देखें मस्जिद रसूल वाला पहाड़ और उल्टे हाथ पे सामने देखें मस्जिद अली वाला पहाड़।
तो आज सुबह अभी हम सफर में हैं, तो सफर में सफर की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अपनी हिफ्ज अमान में रख लेता है। तो एक साथ मिलकर बुलंद आवाज से सफर की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सुभानल्लज़ी सख़्फ़रलना हाज़ा लहू मुकरिनी व इन्ना इला तमाम मेहसबान ये सफर की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखता है। उसके बाद मेहसबान एक ज़रूरी लासल है हमारे पास सुजाजा कराम की खिदमत के लिए दो से तीन चीज़ें होती हैं, अगर किसी मेहसबान को चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मार्केट से बारियात देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर दुकानों के किराए और मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह भी होती हैं, लेकिन ये हम गाड़ी के अंदर ही भेजते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से बारियात मिलेंगे, जिन्हें आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर किसी दोस्त को रिश्तेदार को हाँ ये हदीयत और गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इसमान इंशाल्लाह ये आपको मार्केट से बहुत ही बारियात मिलेंगे। जैसा कि आपने अल असमत सुरमे का नाम तो सुना होगा, लेकिन अल असमत सुरमा जिसे लगाना सुन्नत रसूल भी है, और जिसे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस्तेमाल किया करते थे, और इस अल असमत सुरमे को दुआ फरमाई कि ये अल असमत सुरमा जो भी लगाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों की नमी कभी दूर नहीं जाएगी, जो अरके गुलाब और आबे जमजम से तैयार किया जाता है। ऐसा अगर आप एक लेंगे तो आपको 5 रियाल का मिलेगा, 10 रियाल के 3 मिलेंगे, और 40 रियाल के आपको 12 मिलेंगे, 20 रियाल के 6 मिलेंगे। उसके बाद आयसबान आप अमीर अल ऊद इतर है जो गलाफ काबा पे लगाया जाता है, खाना काबा के गलाफ के ऊपर अमीर अल ऊद आयसबान वो भी हमारे पास मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो वो भी 5 रियाल का 1 और 10 रियाल के वो भी आपको 3 दे दूंगा। और उसके बाद आसमान आपने अजवा खजूर का नाम तो सुना होगा, लेकिन अजवा खजूर की गुठली का एक पेस्ट बनता है सफूक, जिसके अंदर सिवाय मौत से हर बीमारी की शफा। जैसा कि आपको मुख्तसर चांद बीमारी के नाम भी बता देते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दम्मे के लिए, एलर्जी के लिए, जिस्म की कमजोरी के लिए, खून की रुकावट के लिए, बे औलाद के लिए, और दिल के मर्ज के लिए ये बहुत ही महफूज है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास गए, सहाबी साद बिन अबू वकास के पास, जब उनके पास यकरियत पूछने पहुंचे तो उसने पूछा कि आपको क्या मर्द है, तो साद बिन अबू वकास ने आज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो है दिल का मर्द है। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अजवा खजूर गुठली का पेस्ट इस्तेमाल करने का हुक्म दिया कि आप अजवा खजूर गुठली का पेस्ट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका दिल का दर्द दूर हो जाएगा। तो जिसका इस्तेमाल का तरीका है, इसमें सुबह खाली पेट दूध के साथ या चाय के साथ एक चम्मच डालकर अच्छी तरह हल कर लें, और जब साथ में वो खास नहीं अजवा खजूर का पेस्ट इस्तेमाल किया तो उसको दोबारा कभी भी जिंदगी में दिल का मर्द नहीं होता। इसमें वो भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप एक लेंगे तो 10 रियाल का, अगर 2 लेंगे तो 15 रियाल के आपको 2 डब्बियाँ मिलेंगी। तो अगर किसी आयसबान को चाहिए जिसके ऊपर चांद बीमारियां और इस्तेमाल का तरीका भी लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश में, और मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझसे ले सकते हैं। आयसबान एहराम जो है यहाँ से भी सीधा जा रहे हैं मिकात पे, वहाँ पर एहराम जाके बांधे। जज़ाकअल्लाह खैर जी। क्या अजवा खजूर की गुठली का पेस्ट पड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ।